उससे पहले तो हम घर पे थे, घरेलू आदमी थे, हम घरबारी आदमी थे। अच्छा, तो हमको ऐसा, हमारे को कोई गुरु जी ने कोई वचन धर्म के नाते का, वो भगवान के नाम का बता दिया, तो हमको उसमें डोरी लग गई हमारी। अच्छा, तो हमने पूरा घर बार त्याग दिया है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और मैं हूँ धर्मेंद्र, और आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ जो जंगल में आया हुआ है। और वैसे मैं आपको जंगल के ही स्थान ज़्यादा दिखाता हूँ, और इस स्थान पर जो ये कुटिया जो है आप देख सकते हो, इस तरीके से ये कुटिया यहाँ बनी हुई है, और ऊपर जो है जो इसके ऊपर प्लास्टिक डाला हुआ है, और इसके अंदर जो है यहाँ की पुरानी जो है धूना जो है, पुराना धूना यहाँ जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो है हनुमान जी का स्थान है दोस्तों, और इधर जो है ये शनिदेव और शिव का स्थान। और दोस्तों इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो है यहाँ के लोक देवता रामापीर का स्थान। और आपने सब जगह पीतल के घंटे वगैरह देखे होंगे, लेकिन यहाँ मैंने आज आपको ये घंटा जो है लोहे से बना हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, और ये पीतल के घंटे हैं दोस्तों। अब चलते हैं आपको उस जो यहाँ का सैकड़ों साल पुराना का जो धुना है, उस धुणे को मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात और दोस्तों, चैनल को अभी से लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस धुणे को दिखाने दोस्तों। तो ये मैं आपको धुना जो दिखाने वाला था, तो ये वो बहुत पुराना धुना है मालिक, और ये बहुत ही बड़ा है। इस धुणे के चारों ओर इधर चांद, उधर स्वास्तिक, उधर ओमकार, और इधर चंद्र का भी निशान है। और ये जो धुना बहुत ही पुराना है, कच्चा, जो ये ऊपर केलू वाला जो ये देख लीजिएगा आप, ये लकड़ी से ये बना हुआ एक ये पुराना, ये जो मैंने भी जो आपको प्लास्टिक डाले हुए उस कुटिया के दर्शन करवाए थे, तो ये वो कुटिया है जिसमें ये धुना है। और यहाँ के संत जो है फिलहाल लोगों ने अभी बनाया है यहाँ पास में जो कुटिया, उस कुटिया के अंदर वो संत रहते हैं। और मैं आपको इधर जो यहाँ पुराने जो संत महात्मा रहते थे, तो उनके जो है ये फोटो वगैरह जो ये लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं, और ये उनका आसन है, तो इनको भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और ये आप अंधेरे की वजह से शायद आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी जो है स्थान बना हुआ है और आसन बना हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ जानवरों के डालने के लिए छुग्गा जो यहाँ आता है वो ये छुग्गा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ जो है आपके द्वारा जो यहाँ मांग की जा रही है, अपील आपसे करते हैं कि आप जो है यहाँ जो मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, उस अंदर जो एक धुना और है, और वो धुना जो है बारिश की वजह से गिर चुका है। तो संतों ने मुझे बताया, यहाँ के संत जो है मोहनदास जी महाराज, उन्होंने मुझे बताया कि वो अगर धुना का निर्माण अगर भक्त लोग करना चाहे और करवाना चाहे, तो आपकी जो मामूली सी भेंट जो होगी, वो चाहे आप 1 रुपया दो, 10 रुपये दो, तो उनसे उसका निर्माण वापस करवाने की वो इच्छा रखते हैं। तो आपको वो भी मैं आपको दिखाता चलूं मैं दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं ये केलू है, पुराने पुराने जमाने में इस तरीके से ये केलुओं से मकान बनाए जाते थे। और ये देख लीजिए ये किस तरीके से ये पुरानी जो सैकड़ों साल पुरानी जो धुनी थी जो गिर चुकी है, और इसी को बनाने के लिए उन्होंने जो है महात्मा ने मुझे बताया कि भाई मुझे थोड़ी बहुत अगर सहायता मिल जाए लोगों से, तो ये धुना है जो आप देख सकते हैं इधर, ये क्या मालूम कौन सा पौधा है, पौधा यहाँ लगा हुआ है। और इधर जो है जो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये जो ये पूरा का पूरा ये भी ये देख लीजिएगा साथ में, तो ये पूरा गिरा हुआ है। और पास में ही ये जो है कनेर का वृक्ष है, और यहाँ जो है फूल वगैरह भी बाबा जी ने लगा रखे हैं, तो उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब बाबा जी के पास चलते हैं, करते हैं उनसे बात दोस्तों। तो महात्मा तो यहाँ बैठे हैं, अपन यहाँ इनसे मिलते हैं, उससे पहले ये देख लीजिएगा
ये भी प्लास्टिक डाले हुए हैं, और ये बाबा जी का रसोड़ा है। तो केशव, ये रसोड़ा बाबा जी का दिखा, ये जो है यहाँ पे बाबा जी जो है अपने लिए और आए हुए श्रद्धालु लोग जो आते हैं उनके लिए खाना भी बनाते हैं। और अब मैं ले चलता हूँ बाबा जी के पास। तो ये बाबा जी है और काफ़ी श्रद्धालु भी यहाँ आए हुए बैठे हुए हैं। तो बाबा जी ओम नमो नारायण। तो दोस्तों ये बाबा जी है, और मैं अब आपको बाबा जी से कुछ बातें, यहाँ जो मैंने अभी बताई पुरानी जो टूना है वो गिर चुका है, तो उसके लिए मैंने अपील भी की है, तो बाबा जी क्या कहते हैं उसके बारे में, और बाबा जी से और भी सत्संग के भी कुछ सवाल जवाब करेंगे दोस्तों। तो बाबा जी से पूछते हैं कुछ, आप हमेशा कमेंट भी करते हैं कि उनसे सवाल भी किया करें। तो बाबा जी सबसे पहले तो मैं जो है आपका नाम मंगल मोहनदास, मोहनदास मोहनदास है ना? हाँ जी। तो गुरु जी का नाम? सरवणदास जी। सरवणदास जी महाराज। हाँ। तो बाबा जी आपने ये जो संन्यास ये कब से लिया है? मैंने होगी संन्यास लिए हुए को 5-7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो 5-7 साल ही हुए हैं। हाँ। तो इससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले तो हम घर पे थे, घरेलू आदमी थे, हम घरबारी आदमी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमको ऐसा, हमारे को कोई गुरु जी ने कोई वचन धर्म के नाते का वो भगवान के नाम का बता दिया, तो हमको उसमें डोरी लग गई हमारी। अच्छा। तो हमने पूरा घर बार त्याग दिया है। अच्छा। हम घर बार त्याग के हम देखो यहाँ गुरु जी की सेवा करने आए थे, गुरु जी भी हमारे शांत हो गए हैं। अच्छा। तो फिर अब तो यहाँ सेवा करते हैं, बैठे हैं, अभी कुटिया बुटिया सब गिरने वाली ऐसी हो गई। अच्छा। तो दोस्तों मैं आपको एक अभी मैंने अपील की थी, तो मैं आपसे जितने भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि बाबा जी जो कह रहे हैं कि जो कुटिया जो गिरी है और वो पुरानी धूनी थी, आज से सैकड़ों साल पुराने की ये तो बात है, सैकड़ों के हजारों 400-500 साल पुरानी बात होगी। तो बाबा जी जो कह रहे हैं, तो बाबा जी बोलिए आप उस कुटिया के बारे में क्या कहना चाहते थे? ये हमारी कुटिया है जो अभी 1 साल हो रही है, वो उस पर उसके प्लास्टिक लगा के रखे थे, वो भी फट चुके हैं। अभी बारिश आएगा तब ये तो गिर जाएगी, एक कुटिया तो गिर गई हमारी। अच्छा। अभी ये दूसरी भी गिर जाएगी तो हमारा धोने वगैरह हम कैसे चलाएंगे फिर? अच्छा। तो उसके लिए हमारे कुछ हो जावे तो अच्छा रहे। अच्छा। तो आपसे अपील की जाती है कि भाई अगर आप कुछ भी है तो बाबा जी आप कोई ऐसा चलाते हैं कोई पेटीएम वगैरह या फोन पे, ताकि आपके नंबर डाल दें जिससे लोग अगर कोई भी सहायता मदद भेजे तो डायरेक्ट आपके ऊपर ही आएगी? हम तो वो ऐसा फोन रखते हैं, वो जैसे अच्छा, सादा फोन रखते हैं। तो दोस्तों सादा फोन है, तो मैं मेरे ही नंबर डाल दूंगा, अगर बाबा जी के लिए आपकी इच्छा से अगर आप कुछ भेंट दान करेंगे तो मैं बाबा जी तक पहुँचा दूंगा। वैसे दोस्तों मैं कोई चीज़ पर्सनल जो होती है, अगर कोई आदमी मांग के बताता है कि आपने दिया या नहीं दिया, तो उसका वीडियो मैं आपको खुद बना के भेज देता हूँ पर्सनल। बाकी मैं किसी को कोई देते हुए या कोई चीज़ दिखाता नहीं हूँ वीडियो पे, और मुझे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। क्यों? कि ये दिखाने का काम नहीं है, दान धर्म जो है ये दिखाने का काम नहीं है। तब और अब मैं बाबा जी से थोड़ी सत्संग के बारे में भी बात करूँगा। तो बाबा जी मैं आपको कहता हूँ, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो कैसे करनी चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति तो अपन को भजन करना चाहिए, मालिक का नाम लेना चाहिए। सिर्फ नाम लेने से मालिक नहीं, उसको स्मरणा करनी पड़ती है उस जन्म में अपन को। नहीं, लोग ऐसे कहते हैं कि भाई गुरु करो, गुरु करने अगर कोई गुरु नहीं करे मान लो, हाँ, और वो स्मरणा करे तो क्या उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, वो ऐसे कहते हैं कि गुरु बिना घोर अंधेरा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो गुरु बिना घोर अंधेरा बोलते हैं, तो फिर वो भी तो परंपरी की बात है गुरु करने की। तो ठेठ से गुरु करते आए हैं, गुरु तो करने ही पड़ते हैं। अपन घर बारी छो होते तो फिर भी वो तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लोग पूछते भी है कि भाई अगर गुरु नहीं किया और अपन मालिक को याद करे तो क्या मालिक अपने को नहीं मिल सकते क्या? कहने का मतलब ये, मालिक तो देखो ऐसी बात है कि गुरु नहीं कर रहेंगे तो फिर अपन कोई धर्म पुण्य भी करते हैं कहीं, कोई धर्म पुण्य भी करना, कर्म करो अच्छे। हाँ, कर्म करने पड़ते हैं। अपन कहीं पे धर्म पुण्य भी करेंगे तो वो कहते हैं कि मालिक अपने लेख पे नहीं लगाते हैं गुरु बिना। अच्छा, ऐसे बोलते हैं, तो वो अपन को करना ही पड़ता है। तो बाबा जी ये जो स्थान है ये कितना पुराना होगा? ये तो बहुत पुराना है। कितना सौ साल पुराना है? करीब करीब मेरे को भी तो इस तरीके से ये जो मैंने देखी है धूनी वगैरह, ये तो
300-400 साल तो हो गई, 400-500 साल पुरानी है। तो दोस्तों ये बाबा जी जो थे मोहनदास जी महाराज, तो ये बाबा जी आपका पंत कौन था? हमारा पंत दास पंत है, गौ भेग है हमारा, गौ भेग जो दास। तो अभी इनसे बात की, आपको भी मैंने सुनवाई, और आपकी जो आपको जो मैंने बताया है कि भाई जिस तरीके से ये अंदर के मैंने वीडियो में दिखा दिए कि भाई ये किस तरीके की कुटिया उटिया जो है ये यहाँ जो गिरी हुई है, और उसको वापस तैयार करना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो आप लोगों से हमारी यही उम्मीद और यही अपील रहती है हमेशा कि आप कुछ करेंगे तो ज़रूर इसका उद्धार होगा, और अगर आप ही नहीं करेंगे तो मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। तो बाबा जी के नंबर नहीं, मेरे नंबर दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरे लगे हुए ही हैं, तो आप चाहे तो भेंट यहाँ के लिए भेजेंगे तो मैं बाबा जी तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा की तरह रखता हूँ। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बाबा जी को प्रणाम करता हूँ।